नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से लेके आए हैं आप लोगों के लिए टीचर्स की रिक्रूटमेंट। टीजीटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट है, हिंदी इंग्लिश मैथ एसएसटी और साइंस के शिक्षकों की भर्ती है और ये बिल्कुल रेगुलर रिक्रूटमेंट है। एज लिमिट जो है इसके लिए 21 से 35 साल है। कैटेगरी वाइज इसमें आपको मिल जाएगा छूट। बेसिक पे है 44,900 प्लस डीए प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ये सभी मिलेंगे भत्ते। अनेक विषय के शिक्षकों की स्थायी भर्ती है, तो जल्दी अप्लाई करें। ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके साथ अटैच करके आप भेज सकते हैं दिए गए एड्रेस पे। तो ठीक है, बिल्कुल डिटेल से देख लेते हैं कहाँ क्या ये रिक्रूटमेंट आई है और कैसे आपको करना है अप्लाई। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सैनिक स्कूल मैनपुरी उत्तर प्रदेश में रिक्रूटमेंट आई है। असिस्टेंट मास्टर मैथ, इंग्लिश, जनरल साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और कंप्यूटर साइंस के टीचर्स के ये रिक्रूटमेंट है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो या तो आपके पास जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ग्रेजुएशन प्लस बीएड का, अगर वो है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ और उसके साथ साथ बीएड और उसके साथ साथ सीटेट या एसटेट आपका क्लियर होना आवश्यक है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का ज्ञान, आयु 21 से 35 साल जो कि 27 अप्रैल 2019 तक आपकी होनी चाहिए और जो सैलरी है जो मैंने आपको पहले बताया था बेसिक पे है 44,900 डीए प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये आपको मिलेगा और सभी सब्जेक्ट्स के एक एक शिक्षकों की ये रिक्रूटमेंट है और बिल्कुल ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की नहीं है। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपका सीटेट या एसटेट क्लियर होना चाहिए, बीएड भी होनी चाहिए और बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में, बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम में, बीएससी कंप्यूटर साइंस में या बीसीए होनी आपके पास आवश्यक है। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है कंप्यूटर में तो भी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट की, वहां भी अवेलेबल है mainpuri.nic.in पे, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट लगाना होगा ₹500 का, जो कि पेएबल होना चाहिए इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी। और अगर आप बिलोंग करते हैं एससी एसटी कैटेगरी से तो आपको डिमांड ड्राफ्ट लगाना है ₹250 का। और आपको जो अपनी एप्लीकेशन भर के भेजनी है सैनिक स्कूल मैनपुरी विलेज नॉन खैरा आगरा रोड तहसील सदर मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे भेजनी है 27 अप्रैल 2019 तक। और जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे तो लिफाफे पे आप लिख दीजिएगा किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और 2 9 इंच बाय 4 इंच के खाली लिफाफे भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भेजने हैं। और ये है एप्लीकेशन फॉर्म, ये देखिए, इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड करके इसको भर के भेज सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही मेन मेन इंफॉर्मेशन थी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। बाकी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके सारे ध्यान से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।